Hi everyone, a warm welcome to my kitchen and a huge platform of Amul Facebook page live. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. मेरा नाम नीलू है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ. मैं भी ठीक हूँ. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए डिश लाई हूँ, उसका नाम है रशियन सैलेड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी. कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले से कर ली है, तो आइए दिखाते हैं आपको मैंने क्या प्रिपरेशन की है. थोड़े एप्पल लिए, अभी मैंने कट नहीं किए हैं, थोड़ा कुछ स्किन निकाल दी, कुछ स्किन के साथ लिए हैं, क्योंकि ये ब्लैक होने लगते हैं. और एक पियर लिए नाशपाती. ये फ्रोजन मटर है मेरे पास, और कुछ अनारदाने जो निकाल दिए हैं, गाजर है, पत्ता गोभी है, मैक्रोनी है, सैलेड हम बना रहे हैं, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है. तो ये कुछ मैक्रोनी है, और इधर मेरे पास दो कलर के रेजन है, काली किशमिश और गोल्डन वाली किशमिश. तो हम इसको डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे बाद में. इसमें और भी बहुत सारी चीजें जाती हैं, जैसे कि आप इसमें बॉयल पोटैटो डाल सकते हैं, और बेल पेपर है, कैप्सिकम है, अपनी चॉइसेस की. कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं. और बहुत ही हेल्दी होता है ये स्नैक. और अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जिससे हम इसको बनाएंगे. तो अमूल की फ्रेश क्रीम है और बटर है, लेकिन अभी आज हम सिर्फ क्रीम का यूज़ करेंगे और मेयोनीज का यूज़ करेंगे जिससे हम ड्रेसिंग बनाएंगे. तो पहले कुछ फ्रूट्स हम काट लेते हैं. जो हमारे ब्लैक पड़ जाने थे उसको मैंने थोड़ा छोड़ दिया था बाद के लिए, कि जिसको मैं अभी काट लूँगी. और बहुत ही अच्छा सैलेड बन के रेडी होता है. आप इसको स्टार्टर के साथ, मेन कोर्स के साथ, जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं. और अगर आप इवनिंग और जैसे लंच और डिनर के बीच का जो टाइम होता है हमारा, जिसमें हम टी वगैरह लेते हैं, टी वगैरह ना लेना चाहें तो आप इस सैलेड को ले सकते हैं. और आप इसमें क्रीम और मेयोनीज की जगह अगर अमूल की जो दही आती है वो यूज़ कर लें तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन हो जाता है. जो लोग डाइट पर, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. तो ये बनाना, दो बनाना ले रही हूँ मैं. और इसमें खीरा वगैरह भी जाता है, बट खीरा पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ. बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार सी डिश है हमारी, जिसको बनाइएगा आप तो बहुत अच्छा लगेगा आपको. तो कुछ बनाना चॉप कर लिया है मैंने, ऐसे ही रफली चॉप करना है हमें, बहुत कोई इसमें शेप वगैरह नहीं देना है. और एक बॉल में सब हम ट्रांसफर करते जा रहे हैं. कुछ एप्पल है हमारे पास, तो ये थोड़े थोड़े इसको मैंने पील कर दिया था. अलका जी हाय के. हेलो अलका जी, थैंक यू सो मच अलका जी. अलका जी ये ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको. और ये बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि आप इसमें हर तरह का, पूरा एक तरह से ये अपने आप में सैलेड के नाम पर एक मील ही है, क्योंकि हर तरह की चीज आपको इसमें मिल जा रही है, फ्रूट भी, वेजिटेबल भी. और अगर आप इसमें मेयोनीज और क्रीम नहीं यूज करना चाहते तो हाँ, आप कर्ड यूज कर लीजिए, और भी हेल्दी ऑप्शन हो जाता है. हम पियर लेंगे थोड़ा सा, तो मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा डाल देती हूँ अभी. बहुत ही सिंपल है, आप इसे अपने घर में किसी भी पार्टी या कोई भी ओकेजन पर स्टार्टर के साथ भी और मेन कोर्स के साथ भी सर्व करिए, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है. तो ये कुछ फ्रोजन पी लिए मैंने, अगर आपके पास फ्रोजन ना हो फ्रेश पी लीजिए, उसको बॉयल जरूर कर लीजिएगा. ये ऑलरेडी बॉयल्ड है तो इस पार बॉयल रहती है, तो मैंने ये ले ले रही हूँ. एक छोटी कैरेट कट कर रखी है मैंने, वो यूज करेंगे. और कैबेज ली है, वेजिटेबल भी आप अपनी पसंद के लीजिए, कैबेज का क्रंच अच्छा लगता है मुझे, तो थोड़ी कैबेज लेंगे हम. ये मैक्रोनी है जो एल्बो शेप में आती है, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था. और ये सैलेड चिल्ड सैलेड बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा ये भी मिक्स करते हैं. तो ये थोड़ा सा आपस में स्टिकी हो गया है. और कुछ अनारदाने हमारे पास, अब इसको मिक्स साइड में रख देंगे.
और अपनी ड्रेसिंग तैयार करेंगे जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये अमूल की क्रीम है हमारे पास और मेयोनीज है। सीमा जी कह रही हेलो मैम। हेलो सीमा जी। तो ये म्यूनीज है मेरे पास। अगर आप म्यूनीज ना यूज करना चाहें तो जो अमूल का मिल्क आता है आप उसकी फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो ये हम ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं अपने सैलेड की। तो ये अमूल का हमारे पास फ्रेश क्रीम है। सब ले लेते हैं एक एक पूरा तेल। ड्रेसिंग हम बनाएंगे अगर हमको कम लगेगी तो फिर थोड़ा सा हम और ऐड कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं इसमें। अगर आप चाहे तो पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, मैं नमक नहीं डाल रही हूँ और पाउडर शुगर डाल रही हूँ थोड़ी सी, एक स्पून भर के, और थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे। सीमा जी पूछ रही हंकड़ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सीमा जी बिल्कुल, अगर आप डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हो तो हंकड़ यूज कर सकते हैं, वो फिर फ्रूट रायता बन जाएगा, लेकिन वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अमूल का जो कर्ड आता है आप उसको यूज करिए। ये मैं बेसिकली रशियन सैलेड बना रही हूँ, तो ये जो जैसे बनता है मैं उस तरीके से बना रही हूँ एकदम। बाकी बहुत सारी वेरिएशन आप इसमें कर सकते हैं। आप ये जो बैटर बन जाएगा हमारा पेस्ट जैसा, इसको आप सैंडविच में भर के खा सकते हैं, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जैसा रशियन सैलेड बनता है ना मैं वो बना रही हूँ। तो अभी हम ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं, मेयोनीज, क्रीम, शुगर और पाउडर शुगर डाला है मैंने, और थोड़ी सी काली मिर्च, आप चाहें तो पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल सकते हो, बट सॉल्ट ऐड नहीं कर रही मैं। और बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग बनाई है इसकी। और बस हमको उसको अपने पूरे सैलेड में पोर कर देना है। तो देखिए कितना यम्मी दिख रहा है अभी से ही है, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक सी बनने वाली रेसिपी, बस थोड़ी सी प्रिपरेशन हमें चाहिए। और इसमें जो एक एक दो मेन इंग्रेडिएंट जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने नहीं डाला है इसमें। बॉयल पोटैटो जाता है, आलू को आप बॉयल करके स्क्वायर में काट के डाल सकते हैं, खीरा जाता है, और कैप्सिकम वगैरह ज़रूर जाती है, लेकिन कैप्सिकम मुझे कच्ची सूट नहीं करती तो मैं उसको अवॉइड कर दे रही हूँ, लेकिन पड़ता ज़रूर है रशियन सैलेड में, तो मैंने फ़िलहाल अवॉइड कर दिया है। बाकी अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि वो एक तरह से इसका मेन इंग्रेडिएंट बन जाता है। और अब हम इस ड्रेसिंग को इसमें बहुत अच्छे से कोट करेंगे, और ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है, हंकर्ड के साथ यूज करिए, बहुत अच्छा है। तो डाइट वालों के लिए पूरा एक फिलिंग बोल तैयार है आपको, इसके फिर एज अ सैलेड नहीं, ये पूरा आप मील की तरह इसको ले सकते हैं, और ये पूरा अच्छे से आपकी भूख को कवर कर देगा। तो देखिए ऑलमोस्ट डन है हमारा। लीना जी कह रही है हेलो। हेलो लीना जी। अब ये देखिए कितनी जल्दी और कितनी झटपट से हमारा सैलेड बन के तैयार है। अब हम इसको एक सर्व कर लेते हैं। देखिए
कि हम इसको बोल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। और ड्रेसिंग हमारी प्रॉपर है, ठीक है, अब हमको उसमें और ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कम लगे तो आप उसी मेयोनीज और क्रीम को मिला करके और थोड़ा शुगर और थोड़ा ब्लैक पेपर अगर आप डालना चाहें तो पिंच ऑफ सॉल्ट डाल सकते हैं और ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स करिए और ड्रेसिंग में अपनी ऐड कर दीजिए। तो देखिए हमारा रशियन सैलेड के बिल्कुल रेडी है और कितनी क्विक सी रेसिपी है हमारी। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे, आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो और बहुत ही फिलिंग रेसिपी है। देखिए थोड़े अनारदाने मैंने बचा लिए थे और आप और अपनी तरफ से जो भी फ्रूट्स और नट्स वेजिटेबल्स आपको पसंद हो सीजनली अवेलेबल हो आप जरूर ट्राई करिए उसको डालिए, क्योंकि ये इसमें यही तो एक वेरिएशन बहुत अच्छी है कि आप अपने मन से कोई भी वेजिटेबल कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो। रशियन सैलेड की बस यही खासियत है कि आप फ्रूट और वेजिटेबल एक साथ मिक्स करके बना सकते हो। तो देखिए हमारा सैलेड बन के बिल्कुल रेडी है। और इसको चिल्ड करके खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आप इसे बनाएं इसको एक आध घंटे के लिए फ्रिज में रखें उसके बाद सर्व करें तो ये बहुत अच्छा। रजनी जी कह रहे हैं रिपीट द रेसिपी। रजनी जी ये रशियन सैलेड है और इसमें मैंने आपके पास जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो आप उसको कट करिए, वॉश करिए, कट करिए और मेयोनीज और अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है उसके साथ मैंने ड्रेसिंग एक तैयार की है, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, पिंच ऑफ सॉल्ट अगर आप डालना चाहें तो, अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड करिए, ब्लैक पेपर पाउडर की एक ड्रेसिंग बनाइए और उसमें फिर सारे फ्रूट्स को और बॉयल्ड मैक्रोनी को मिक्स कर लिया। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और मेरे पास जो इन्ग्रीडियंट्स थे वो मैं बता देती हूँ। मैंने इसमें कैरेट डाला है, मटर डाली है, मैक्रोनी डाली है बॉयल, एक सेब डाला है और थोड़ा सा नाशपाती डाला है, दो केले डाले हैं, अनार डाला है, पत्ता गोभी डाला है, इतनी चीज़ें डाल के मैंने इसको बनाया है। और अगर आप डाइट पर हैं, क्रीम वगैरह नहीं फॉलो करना चाहते तो आप इसकी जगह हंकर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल झटपट सी रेसिपी है। आप इसको लंच और डिनर के बीच का जो टाइम होता है उसके बीच में बहुत ही अगर आपको भूख लगती है या कुछ भी आपको ऐसा इशू है तो आप बढ़िया सा सैलेड बनाइए और खाइए, इंजॉय करिए। बस इतनी छोटी सी इसकी रेसिपी है और बाकी फ्रूट्स नट्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पसंद हो आपको वो डाल सकते हो। थैंक यू अमूल, थैंक यू सीमा जी। तो देखिए हमारा सैलेड बन के बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये छोटी सी और क्विक सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन में बना सकते हैं और स्टार्टर के साथ भी आप सर्व कर सकते हो और मेन कोर्स के साथ भी सर्व कर सकते हो। नीतू जी हाय बोल रही है। हाय नीतू जी। गाइस आई थिंक आपको ये रेसिपी पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत ही क्विक और सिंपल सी रेसिपी थी, बहुत ही मजेदार सी भी थी क्योंकि इसमें हमने कितनी सारी वेरिएशन कर डाली, कितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब एक साथ डाले हैं और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है और ऑप्शनल भी है। अगर आप चाहें तो इसमें कर्ड भी डाल सकते हो, ये सब क्रीम वगैरह आप स्किप करके अमूल का जो कर्ड आता है आप उसको यूज़ करिए और बहुत ही मज़ेदार सा एक ड्रेसिंग सैलेड बनाइए और इन्जॉय करिए। मैं आपसे फिर बहुत जल्दी किसी नई रेसिपी में मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।